हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट एफिशिएंसी ऑफ ज्वाइंट इन रिवेटेड कनेक्शन। रिवेटेड कनेक्शन में ज्वाइंट का एफिशिएंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का कि यह कि ज्वाइंट जिस ज्वाइंट को, जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि डबल कवर बट ज्वाइंट है, ये डबल कवर बट ज्वाइंट का क्वेश्चन है। मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर प्लेन जो होगा वो टू होना चाहिए, ठीक है। डबल कवर बट ज्वाइंट पे नंबर ऑफ शेयर प्लेन टू होता है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे टू होगा तो आप और देख सकते हैं, ठीक है। तो उस ज्वाइंट की इफिशियंसी कितनी होगी जहाँ पर ये रिवेटेड कनेक्शन किया हुआ है, इसके लिए आज हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, इसके लिए हमें करना क्या होता है, स्ट्रेंथ निकालते हैं। जैसे कि रिवेट वैल्यू के लिए, रिवेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको शियरिंग बियरिंग दोनों में से मिनिमम जो होता था उसको हम लोग रिवेट वैल्यू यूज करते थे, ठीक है। यहाँ भी, यहाँ पर हमको स्ट्रेंथ निकालेंगे ज्वाइंट का। ज्वाइंट का मतलब कि जितने भी रिवेट हैं, जैसे कि रिवेट एक तरफ कितना है, नंबर ऑफ रिवेट 6 दिया हुआ है, यहाँ भी नंबर ऑफ रिवेट 6 दिया हुआ है। तो इफिशियंसी होता क्या, देखिए इफिशियंसी क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है, ये रेशियो होता है, किसका रेशियो है, द मिनिमम ऑफ, किसका मिनिमम, शियर स्ट्रेंथ, बियर स्ट्रेंथ और टीयरिंग स्ट्रेंथ, इन तीनों का मिनिमम जो होगा उसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, मतलब जो ये प्लेट है, इस प्लेट का स्ट्रेंथ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में एफिशिएंसी निकल के आती है। अब ये तीनों को कैलकुलेट करेंगे कैसे, देखिए ये भी सेम फॉर्मूला है जो कि रिवेट वैल्यू के लिए हम लोग यूज करते थे, बट यहाँ पर नंबर ऑफ रिवेट से मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं। कैसे करेंगे, देखिए पीएस निकालेंगे हम, पीएस की वैल्यू क्या होगी, द नंबर ऑफ रिवेट इंटू नंबर ऑफ शियर प्लेन इंटू एरिया पाई बाई 4 डी नॉट स्क्वायर इंटू में एफ एस की वैल्यू, एफ एस की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है, तीनों वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। एफ एस दिया हुआ है 100 एमपीए, ठीक है, और एफ बी दिया हुआ है आपको 300 एमपीए की वैन है, एंड एफ टी जो है ये दिया हुआ है 150 एमपीए, ठीक है। तो टीयरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग और शियरिंग स्ट्रेंथ का जो परमिसिबल वैल्यू है ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ से एक चीज़ हमें ये देखते हैं कि नंबर ऑफ रिवेट कितने हैं, नंबर ऑफ रिवेट टोटल यहाँ पर कितने हैं, 12 नहीं है, नंबर ऑफ रिवेट यहाँ पर 6 है। नंबर ऑफ शियर प्लेन, बट ज्वाइंट में शियर प्लेन जो होगा ये 2 होता है। ये 2 कैसे होता है, देखिए मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये बट ज्वाइंट है, ये हमारे पास सपोज दैट बट ज्वाइंट है, इस बट ज्वाइंट को डबल कवर दिया हुआ है, यहाँ से डबल कवर है, डबल कवर बट ज्वाइंट में जितने नंबर ऑफ हॉरिजेंटल प्लेन है, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, जितने नंबर ऑफ हॉरिजेंटल प्लेन, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो हॉरिजेंटल प्लेन की संख्या कितनी हो गई, 3, तो 3 में से 1 घटा दीजिए, नंबर ऑफ हॉरिजेंटल प्लेन में से 1 घटा दीजिए, जो बचता है वो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ शियर प्लेन। या तो ऐसे याद रख लीजिए, या फिर रिवेट जहाँ से टूटेगा, जैसे एक प्लेन यहाँ से टूट सकता है, एक यहाँ से टूट सकता है, तो दो प्लेटों के बीच में यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगी, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज है रिवेट को टूटने का, तो नंबर ऑफ शियर प्लेन यहाँ पर 2 होता है, ठीक है। या फिर आपको इससे प्रॉब्लम है तो इस तरह से याद रख लीजिए, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन -1 कर देंगे तो जो आएगा वो नंबर ऑफ शियर प्लेन हो जाता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू है, नंबर ऑफ रिवेट 6 है, नंबर ऑफ शियर प्लेन 2 है, पाई बाई फोर एज इट इज, डायमीटर प्लेट का होल डाया है, रिवेट का डायमीटर 20 दिया हुआ है, 25 से कम है, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1.5, तो 21.5 हो जाता है इसका स्क्वायर, और एफ एस की वैल्यू हमें यहाँ पर 100 गिवन है, तो 100 यहाँ पर लिख देते हैं। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है ये वैल्यू। तो सारा वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, 6 × 2 × 0.785 × 21.5 का स्क्वायर × 100, ठीक है, ये वैल्यू आ गया 435.44 किलो न्यूटन, ठीक है, ये न्यूटन में आया है, टोटल वैल्यू आपको न्यूटन मिलता है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया ऑलरेडी किलो न्यूटन में, तो यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट निकालते हैं पीबी, स्ट्रेंथ, बियरिंग रिवेट का बियरिंग स्ट्रेंथ कितना आएगा, सिमिलरली नंबर ऑफ रिवेट इंटू में, यहाँ नंबर ऑफ शेयर प्लेन का मल्टीप्लाई नहीं होता है, यहाँ पर हो जाएगा डी नॉट इंटू में टी, एरिया इंटू में स्ट्रेस, स्ट्रेस कितना है एफ बी यहाँ पर स्ट्रेस है, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ रिवेट यहाँ पर 6, डी नॉट हो गया 21.5 इंटू थिकनेस यहाँ पर दिया हुआ है कितना 10 mm, ये ऑलरेडी आपको थिनर प्लेट का थिकनेस यहाँ पर दिया हुआ है 10, एंड एफ बी है 300, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि वैल्यू कितनी आ रही है, 6 इंटू
21.5 इंटू 10 इंटू 300, तो इसको मिला के देखें तो कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गया 387, ये आता है हमारे पास 387 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गया। एंड लास्ट वन हमारे पास में जो वैल्यू है ये आता है पीटी। पीटी होता है क्या, देखिए पीटी जो होता है ये होता है टीयरिंग स्ट्रेंथ, प्लेट का टीयरिंग स्ट्रेंथ होता है। मतलब इसके लिए फॉर्मूला जो होता है बी माइनस एन इंटू डी नॉट। अब ये एन इंटू डी नॉट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, इंटू टी इंटू में एफ टी। एन क्या होता है, एन है नंबर ऑफ रिपीट इन क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन में कितने नंबर ऑफ रिपीट है, क्रिटिकल सेक्शन कहा जाता है वह सेक्शन, वह लाइन जो कि लगने वाले लोड के सबसे नज़दीक हो। जैसे इस प्लेट की बात करें तो 500 जो किलोन्यूटन लोड लग रहा है, तो सबसे नज़दीक में कौन सी रिवेट लाइन है, आपको ये रिवेट लाइन है। तो इस पे इस लाइन पर स्थित नंबर ऑफ रिवेट की संख्या कितनी है, तो 1 है। तो यहाँ पर टोटल बी क्या है, विड्थ ऑफ प्लेट है, प्लेट का विड्थ है 250। तो इस बी में से इसकी डायमीटर को हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर इस लाइन पर दो रिवेट होते तो 2 माइनस करते, 3 होते तो 3 माइनस करते। क्रिटिकल सेक्शन पर स्थित नंबर ऑफ रिवेट की संख्या जो होती है वो इसको यहाँ पर माइनस करना होता है। ठीक है, तो बी माइनस एन डी नोट, बी हमारे पास 250 माइनस एन की वैल्यू 1, डी नोट है 21.5, ठीक है, इनटू में थिकनेस हमको 10 दिया हुआ है, एफ टी है 150 का। ठीक है, तो 150 यहाँ पर दिया हुआ, इसकी वैल्यू को जब हम कैलकुलेट किए तो वैल्यू कितना आ गया, और पहले तो इसको माइनस करके देखना पड़ेगा, 250 माइनस 21.5 और 228 आ गया, इनटू 10 इनटू 150, ये वैल्यू आ गया 342.75 किलो न्यूटन। अब देखिए आपके पास क्या वैल्यू मिल गया, एक वैल्यू मिला 435, दूसरी आ गई 387, 342। तो तीनों में से सबसे कम कौन सा है, तीनों में से सबसे कम कौन सा है, 342.75। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। देखिए इफिशियंसी निकालने के लिए क्या बताया कि पीएस पीटी और पीबी तीनों में से जो मिनिमम होता है, इस सब में से जो मिनिमम होगा इसको डिवाइड देंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट से। तो इन तीनों से हमारे पास मिनिमम क्या आ गया, मिनिमम आ गया 342.75। तो हम लिख सकते हैं कि इफिशियंसी बराबर हो गया 342.75 डिवाइड बाई स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। अब सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ क्या होता है, इस जो प्लेट है हमारे पास में है, इस प्लेट का जो स्ट्रेंथ होगा, ये स्ट्रेंथ कितना आता है, तो देखिए स्ट्रेंथ यहाँ लिख देते हैं हम, स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है बी इंटू टी इंटू एफ टी। इसमें से कुछ नहीं घटाएंगे, टोटल प्लेट का स्ट्रेंथ हमसे पूछा है, तो बी है 250 इंटू टी है, टी हमारे पास 10 है, इंटू में एफ टी कितना है 300 है, इसको जब कैलकुलेट करिए तो 750 आ गया, ये आ गया हमारे पास 750 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, 750, और ये हो इंटू में 100, परसेंटेज में निकल जाएगा। तो कितनी आ गई, ये आ गया हमारे पास 342.75 डिवाइड बाई 750, ये आ गया 0.45, यानी कि और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 45.7%। यानी कि इस जॉइंट की जो इफिशियंसी होगी वो इफिशियंसी आपकी आ गई कितनी, 45.7%। तो इफिशियंसी से क्वेश्चन जो अगर पूछता है तो आपको क्या करना होगा, ये आपको करना होगा कि इफिशियंसी होता क्या, ये रेशियो होता है, किसका रेशियो, तो शियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ और टीयरिंग स्ट्रेंथ। याद रखें ये स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ होगा तो नंबर ऑफ रिपीट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उस केस में जो इन तीनों में से मिनिमम आएगा उसको डिवाइड देना होगा किसे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट से। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट होता है जितना भी विड्थ है, जितना थिकनेस है मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया इंटू स्ट्रेंथ वही होता है यहाँ भी। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस एफिशिएंसी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने देखा कि एफिशिएंसी जॉइंट का कैसे कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रिवेट वैल्यू निकालना सिखाया, उससे पहले मैं पिच और इंड डिस्टेंस निकालना सिखाया है। तो रिवेटेड कनेक्शन के क्लास में यहाँ तक आज का ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अलग एग्जाम्पल के साथ में।